सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी है और मामले को लगातार लेकर जांच लगातार जारी है और अब एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। बताया जा रहा है कि यह चार्जशीट 30,000 पन्नों की है। एक रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इंसाफ की राह देख रहे परिवार और फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। एक्टर की मौत के करीब 9 महीने बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाला है। बता दें, एनसीबी एक्टर की मौत मामले में ड्रग्स केस की जांच कर रहा है। एनसीबी के मुंबई जोनल हेड समीर वानखेड़े ने खुद इस चार्जशीट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल करेंगे। बताया जाता है कि यह चार्जशीट 30,000 पन्नों की है। बीते साल 4 जून 2020 को सुशांत का शव उनके बांद्रा स्थित फ्लैट के बेडरूम में मिला था। मामले में ड्रग्स चैट के सामने आने के बाद एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की थी। ड्रग पेडलर्स से लेकर सुशांत के मैनेजर्स तक पूछताछ के बाद एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती बेल पर रिहा हुई। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम भी है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार एनसीबी ने अपने चार्जशीट में 33 लोगों को नामजद किया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के अलावा इसमें कई ड्रग्स पेडलर्स के नाम है। इनमें से अधिकतर ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने जांच के वक्त गिरफ्तार किया था। जांच के वक्त ड्रग्स के तार बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से जुड़े हुए पाए गए थे। इन हस्तियों के नाम ड्रग पेडलर्स से पूछताछ में सामने आए। एनसीबी ने इसके बाद दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से लेकर मधु मटीना तक मामले में पूछताछ की थी। ड्रग्स केस में एनसीबी में एक्टर्स के मैनेजर्स से भी पूछताछ हुई। इन्हीं पूछताछ और शुरुआती सबूतों के आधार पर रिया और शौविक को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों ही बेल पर रिहा है। बता दें, रिया और शौविक पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत को ड्रग्स सप्लाई किए। हालांकि हाई कोर्ट में रिया को बेल देते हुए कोर्ट ने यह भी माना कि एनसीबी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि रिया ने खुद ड्रग्स की खरीद फरोख्त की या फिर खुद ड्रग्स लिए। रिया ने भी अपने बयान में यही कहा कि उन्होंने सुशांत के कहने पर ही उनके लिए ड्रग्स उपलब्ध करवाए थे, सुशांत ने ही इसके लिए पैसे दिए थे और पेडलर्स की जानकारी भी सुशांत ने ही दी थी। फिलहाल ड्रग्स की बरामदगी और बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की जाएगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।